कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो APN एक साथ दो APN बताने वाले हैं। जी हाँ, जो APN बताने वाला हूँ आपके एयरटेल सिम पर और जियो सिम पर भी काम करने वाला, ठीक है। तो इस APN को ज़रूर देखिएगा और वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले APN सेटिंग के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। अपने फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सिम कार्ड एंड मैनेजर का, या फिर डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क। आपको सेकंड नंबर पे ही ऑप्शन दिया जाता है अपने फ़ोन पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अपना जियो या एयरटेल सिम, आपका जो भी आपका सिम है वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सिम वन में है या फिर सिम टू में, चूज़ करने के बाद सिम वन में है यहाँ पर मेरा, तो यहाँ पर मैं सिम वन पर। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है नीचे पर, आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर टच कर लेना है इसको एक बार, ठीक है। तो एक बार टच कर लीजिए एक्सेस पॉइंट नेम। उसके बाद यहाँ पर एक बार नीचे रिजेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, एक बार रिजेक्ट कर लीजिए और यहाँ का जो डेटा है सारा क्लियर हो जाएगा और आपको इंटरनेट स्पीड बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। तो उसके बाद ऊपर में एक प्लस का ऑप्शन दिया हो सकता है या फिर आपका नीचे भी हो सकता है। तो प्लस मेरा ऊपर दिया हुआ है तो मैं वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस तरह का फॉर्म आता है, सबसे पहले आता है नेम। नेम में आपको यहाँ पर लिखना है 800 एक स्पेस और एक्स जो कि कैपिटल होगा और आर भी कैपिटल होगा। उसके बाद लिखना है एस जो कि कैपिटल होगा, स्पीड, ठीक है, 800 एक्स आर और स्पीड। उसके बाद सेव कर देना। उसके बाद आता है APN। APN में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, APN में लिखना है, दोस्तों यहाँ पर APN में लिखना है VPN जो कि सारा कैपिटल लेटर में होगा, और उसके बाद प्रो जो कि स्मॉल में होगा, VPN प्रो। उसको भी इसके बाद इसको भी सेव कर देना। उसके बाद आता है प्रोक्सी, प्रोक्सी को नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यूज़र नेम में लिखना है 4G जो कि जी कैपिटल होगा, उसके बाद एस भी जो है कैपिटल होगा, और सटाक लिखना है। उसके बाद सपोर्ट, 4G सपोर्ट। उसके बाद इसको भी, और ये हो जाने के बाद आप लोगों को इसको भी जो है सेव कर देना। उसके बाद आ जाता है पासवर्ड, पासवर्ड को नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर पर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, सर्वर पर यहाँ पर टच कीजिए और यहाँ पर लिखना है www.alpha जो कि ए कैपिटल होगा, ALPHA.net जो कि ए कैपिटल होगा, ठीक है, www.alpha.net। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव, ठीक है, सेव कर दीजिए इसको भी। करने के बाद आ जाता है ऑप्शन MMSC, MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों का आपको नॉट सेट ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है MCC और MNC, तो ये आपका एरिया कोड होता है, इसे आप टच ना करें, इसे चेंज ना करें, ठीक है, ना आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी धीरे हो जाएगा। सो उसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, ठीक है, ऑथेंटिकेशन टाइप। तो इसमें एक बार आप लोगों को टच करना है ऑथेंटिकेशन टाइप में, और इसको पैप और चैप, सबसे नीचे वाले में पैप और चैप का ऑप्शन देख सकते हैं फोर्थ नंबर में, उस पर क्लिक कर देना है। आ जाता है APN टाइप, इसको नॉट सेट ही रहने दें APN टाइप को। उसके बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल, इसमें आपको हो सकता है IPv4 या फिर IPv6 हो, तो आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी हो सकता है आपके फ़ोन में IPv4 हो या फिर IPv6, तो इसमें भी आपको IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है, टिक कर देना, ठीक है। तो इतना करने के बाद आ जाता है एक ऑप्शन बियरर का, जो कि APN का सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है, तो इसमें आपको टच करना है। टच करने के बाद अनस्पेसिफाइड पे अनटिक करके LTE और उसके बाद EDGE, EVDO, B, EVDOA और EVD और IRX, ISN5B, ISN5A, उसके बाद EVDO A0 को भी कर दीजिए। इस तरह का आप देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ LTE पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो सेव का ऑप्शन दिया होता है, हो सकता है आपका नीचे भी हो, तब वो सिंपली से सेव कर देना है। उसके बाद एक बार इस नए वाले APN में टच कर देना है, जिससे कि आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।